हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर का। कुछ एक टॉपिक आता है जिसमें बेसिक जानकारी आपकी रहती है और उससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कई क्वेश्चन उससे आपके बनते हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि आपका आता है टोटल, आपका जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है, नेट सोन एरिया कितना है, ग्रॉस सोन एरिया कितना है, टोटल कल्टिवेटेड एरिया कितना है, टोटल कितने फॉरेस्ट आपके एरिया इंडिया में पाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट पर बात करेंगे और इनको समझेंगे कि ये किस प्रकार से आपके क्षेत्रफल में किस प्रकार से समाहित हैं, इन सभी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वह आपका कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल आपका 329 मिलियन हेक्टेयर है। वैसे इसका जो एग्जैक्टली एरिया है वह है आपका 328.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन हम इसे ऑन एन एवरेज 329 मिलियन हेक्टेयर लिख सकते हैं या लिख लेते हैं, 329 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, अब देखिए 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया को हमने दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में हमने इसे डिवाइड किया। और दो भागों में डिवाइड करने के बाद हमने इसे दो भागों में किस प्रकार से डिवाइड किया, एक तो हमने निकाला इसका नेट सोन एरिया। देखिए नेट सोन एरिया को ही हम नेट क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं, नेट क्रॉप्ड एरिया। कंफ्यूज्ड मत होना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है। नेट सोन एरिया ना पूछ कर कभी कभी नेट क्रॉप्ड एरिया या नेट कल्टीवेटेड एरिया पूछ देता है, तो बात एक ही है। तीनों चीजें आपकी एक ही है, नेट सोन एरिया, नेट क्रॉप्ड एरिया और नेट कल्टीवेटेड एरिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका जो भाग है वह है आपका, देखिए एक चीज समझ लीजिए, ग्रॉस और टोटल एक ही चीज होती है। क्या, ग्रॉस और टोटल एक ही चीज होती है। तो यहां पर हम ग्रॉस लिखें या फिर टोटल लिखें, ठीक है, तो ग्रॉस या टोटल सोन एरिया, ग्रॉस या टोटल कल्टीवेटेड एरिया और कल्टीवेटेड एरिया और ग्रॉस या टोटल आपका क्रॉप्ड एरिया, कौन सा, क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, देखिए ये सभी चीजें एक ही है। यदि आपसे ग्रॉस सोन एरिया की बात करें तो भी चीज एक ही है, टोटल सोन एरिया की बात करें तो भी चीज एक ही है, क्योंकि ग्रॉस का मतलब होता है सटल और टोटल का मतलब होता है कुल, यानी कि जितना भी एरिया है आपका इंडिया का, उसमें से जो आपका मान लिया ये आपका इंडिया, इंडिया का टोटल आपका 329 मिलियन हेक्टेयर, आपका जो एरिया है वह 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से जो आपका नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया आपका कितना है या नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है या नेट क्रॉप एरिया कितना है, ये आपका बिल्कुल नया डाटा है, अपडेटेड डाटा है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डाटा है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल क्लियर डाटा है। तो देखिए जो आपका नेट सोन एरिया या नेट कल्टिवेटेड एरिया है वह प्रेजेंट टाइम में आपका 141 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर है आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया कह सकते हैं, या ऐसे नेट क्रॉप्ड एरिया भी कह सकते हैं, या ऐसे नेट सोन एरिया भी कह सकते हैं। तो यह जो है आपका 141 मिलियन हेक्टेयर है। यदि हम बात करें ग्रॉस टोटल, ग्रॉस या टोटल सोन एरिया की, तो यह जो है आपका कितना है इस समय प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में यह आपका 196 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 196 मिलियन हेक्टेयर, 196 मिलियन हेक्टेयर। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि नेट सोन एरिया कम क्यों है और ग्रॉस टोटल सोन एरिया ज्यादा क्यों है, या फिर इसे हम हिंदी में नेट सोन एरिया कह सकते हैं वास्तविक कृषित क्षेत्रफल, और यह आपका कुल कृषित क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसे समझिए, थोड़ा आइए समझते हैं क्या होता है नेट, नेट और टोटल में अंतर, नेट सोन एरिया और टोटल सोन एरिया में क्या अंतर। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक, ये मान लीजिए ये आपका एक खेत का टुकड़ा है, या आपके पास इतनी जमीन है जो कि 2 हेक्टेयर है, ठीक है, ये आपकी 2 हेक्टेयर का टुकड़ा है आपके पास खेत का, या इतनी जमीन है आपके पास। तो आपने क्या किया, इसे खरीफ में हमने आपको इसमें लगा दिया राइस, उसके बाद रबी में हमने आपका लगाया क्या, रबी में हमने आपका लगाया वीट, ठीक है, और जायद में हमने क्या किया, जायद में हमने इसमें कोई भी कुकुरबिट्स लगा दिया, कुकुरबिट्स, ठीक है, लौकी, कद्दू, तोरई या कोई तरबूज, खरबूज, इसमें कुछ भी लगा दिया। अब देखिए नेट सोन एरिया जो है हमारा, यानी कि कुल हमारे पास जितनी जमीन है वह तो आपकी 2 हेक्टेयर ही है, कितनी है, 2 हेक्टेयर ही है। तो नेट सोन एरिया तो हमारा
2 हेक्टेयर ही है, लेकिन हमने इसे एक साल में कितनी बार यूज किया, 3 बार यूज किया। किसमें? पहले हमने राइस बोया, फिर उसके बाद वीट लगाया, फिर उसके बाद कोकर बेट्स लगाए, तो 2 + 2 + 2 बराबर कितने हो गए? 6 हेक्टेयर। तो 6 हेक्टेयर की गिनती हम कहां पर करेंगे? टोटल सोन एरिया में करेंगे। यानी कि यही अंतर होता है टोटल सोन एरिया और नेट सोन एरिया में। मीन्स नेट सोन एरिया में हम एक साल में मात्र कितनी भी फसलें उगा लें, लेकिन हम उसे उसकी गिनती सिर्फ एक बार ही करते हैं, जबकि टोटल सोन एरिया में एक साल में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं उनके टोटल एरिया को जोड़ करके जो एरिया आता है वह आपका टोटल या नेट टोटल कल्टिवेटेड एरिया कहलाता है। ठीक है, यहीं पर यदि हम जायद में कुकर बेट्स ना लगाएं और खाली छोड़ दें तो यहाँ पर आपका 4 हेक्टेयर हो जाएगा, 6 हेक्टेयर नहीं होगा, फिर यह आपका 4 हेक्टेयर माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रॉस या टोटल सोन एरिया या नेट कल्टीवेटेड एरिया। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। देखिए, नेट सोन एरिया और नेट कल्टीवेटेड एरिया के बारे में आप समझ गए, टोटल कल्टीवेटेड एरिया के बारे में आप समझ गए। अब देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में मीन्स फसल सघनता जिसे हम बोलते हैं, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में एक सवाल आता है, तो इसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इंडिया का प्रेजेंट टाइम में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वह क्या है। तो देखिए, इंडिया की प्रेजेंट टाइम में क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वह हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को, या फिर हम यूं लिख लें, इसे हम थोड़ा साफ कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम साफ कर रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते हैं। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम किस प्रकार से निकालते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को हम CI से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल सोन एरिया, फिर वही बात आई, टोटल सोन एरिया, टोटल कल्टिवेटेड एरिया, टोटल क्रॉप्ड एरिया, या ग्रॉस सोन एरिया, या ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया, या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, बात एक ही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें टोटल कल्टीवेटेड एरिया या क्रॉप्ड एरिया या सोन एरिया कुछ भी लिख रहे हैं, कल्टीवेटेड एरिया बटे इसको हम भाग दे देते हैं किससे, नेट कल्टीवेटेड एरिया से, किससे, नेट कल्टीवेटेड एरिया से। अब देखिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को हम हमेशा प्रतिशत में निकालते हैं, हम इस परसेंटेज में, तो परसेंटेज में जिस चीज को निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए क्या करते हैं, टोटल कल्टीवेटेड एरिया आपका कितना था, टोटल कल्टीवेटेड एरिया आपका 196 था, 196 मिलियन हेक्टेयर। अब नेट कल्टीवेटेड एरिया आपका यहाँ पर कितना है, तो नेट कल्टीवेटेड एरिया आपका 141 मिलियन हेक्टेयर है, इसमें हम गुणा कर देते हैं किससे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए आपका टोटल जितना आप इसे जितना भी आपका आएगा वही आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया कहलाएगा। यानी कि यदि इसे हम इसका हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 139% आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी प्रेजेंट टाइम की आएगी। तो प्रेजेंट टाइम की जो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वह है आपकी 139% आपकी 139% आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। ठीक, 196 बटे 141 मिलियन हेक्टेयर से जब हम भाग गुणा 100 से यदि हम भाग देते हैं तो आपका 139%, ये आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी या फसल सघनता ऐसे हम कह सकते हैं, आ जाती है इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए ये तो होगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात। आगे हम बात करते हैं कुछ है, आपका जो फॉरेस्ट एरियाज है और कितने में आपकी जो है इरिगेशन, कितना आपका टोटल इरिगेशन एरिया आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए उसके बारे में हम बात करते हैं तो देखिए आता है नेट इरिगेटेड एरिया आपसे पूछा जाता है। तो देखिए डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया का नेट इरिगेटेड एरिया कितना है। तो देखिए इंडिया का नेट इरिगेटेड एरिया जो है वह टोटल आपका नेट इरिगेटेड एरिया है वह है आपका 64.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 64.7 मिलियन हेक्टेयर। 64.7 मिलियन हेक्टेयर को हम ऑन एन एवरेज 65 मिलियन हेक्टेयर भी लिख सकते हैं। मीन्स जो 329 मिलियन हेक्टेयर है ना, उस 329 मिलियन हेक्टेयर में से आपका टोटल 64.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है आपका सिंचित है, सिंचित है, जहां पर पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, सिंचित है। ठीक है, तो नेट इरिगेटेड एरिया जो है वह है आपका इतना है। कितना है? 64.7 मिलियन हेक्टेयर, या ऑन एन एवरेज से हम 65 मिलियन हेक्टेयर के हेक्टेयर भी लिख सकते हैं। हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया यदि आपसे पूछ दिया जाए
कि सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का इन विच स्टेट हाईएस्ट एरिया, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया विच स्टेट। तो देखिए हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया विच स्टेट का जो है यदि आपसे पूछा जाए तो वह आपका पंजाब आता है। क्या आता है? पंजाब। पंजाब। और देखिए कंफ्यूजन के लिए हम आपको यहीं पर क्लियर करते हैं कि किन्हीं किन्हीं किताबों में या कहीं कहीं पर आपको यूपी भी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? यूपी। तो देखिए यूपी इनका क्रम जो है घटता बढ़ता रहता है, कहीं यूपी कहीं पंजाब, तो आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन अभी का जो रिसेंटली डाटा है, अपडेटेड डाटा है, जो कि हमने ऑफिशियली वेबसाइट से लिया है, वह आपका इस समय पंजाब दिखा रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, पंजाब ही है आपका हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया जो है आपका किस स्टेट का है? पंजाब का है। लीस्ट इरिगेटेड एरिया किसका है? यदि आपसे पूछा जाए कि लीस्ट इरिगेटेड एरिया किसका है, लीस्ट इरिगेटेड एरिया विच स्टेट, लीस्ट इरिगेटेड एरिया विच स्टेट कौन से स्टेट का है? तो देखिए लीस्ट इरिगेटेड एरिया आपका किस स्टेट का है? तो वह जो है आपका मिजोरम। मिजोरम किसका? मिजोरम आता है आपका लीस्ट इरिगेटेड, भी सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल किसी किस स्टेट का है? तो वह आपका मिजोरम का है। ठीक है, उसके बाद ये हो गई आपकी इरिगेशन की, इरिगेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट एरियाज की। तो देखिए फॉरेस्ट के बारे में एक नया अपडेट आया है। फॉरेस्ट जो है वह आपके टोटल जो आपका एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर के हिसाब से यदि आपके क्षेत्रफल पर बात की जाए तो आपके कुल इंडिया में लगभग 33% वन होने चाहिए, लगभग 33% वन होने चाहिए। इतना एक जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका कहना है कि लगभग इंडिया में 33% तक वन होने चाहिए, लेकिन जो रिसेंटली डाटा है फॉरेस्ट का वह इस समय बढ़ गया है। तो देखिए इस समय जो आपका रिसेंटली डाटा है, पहले था आपका, देखिए टोटल फॉरेस्ट एरिया हम आपको बता दें कितना है, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, का जो इस समय टोटल फॉरेस्ट एरिया है, और पहले था लगभग 21 पॉइंट कुछ परसेंट में था, 21 पॉइंट, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया है, 80.73, 80.73 मिलियन हेक्टेयर। इसे हम ऑन एवरेज, इसे हम परसेंटेज में यदि हम लिखें तो परसेंटेज इसका हो जाएगा लगभग 24.56%। कितना? 24.56% आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा यदि हम इसे परसेंटेज की बात करें। यदि हेक्टेयर की बात करें तो आपका 80.73 मिलियन हेक्टेयर आपका जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया है किसका? इंडिया का। ठीक है, इंडिया का आपका 80.73 मिलियन हेक्टेयर, और यदि परसेंटेज की बात करें 24.56% जो है आपका फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद देखिए बात आती है आपकी, यदि आपसे बात की जाए कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन विच स्टेट, मैक्सिमम फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है, मैक्सिमम फॉरेस्ट सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया कौन से स्टेट का है? तो वह आपका एमपी का है। किसका है? एमपी मीन्स मध्य प्रदेश का है। और यदि बात की जाए कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन स्टेट बाई परसेंटेज की बात की जाए, बाई परसेंटेज मीन्स परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में वन है, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा किस राज्य में वन है? वह है आपके मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में। मिजोरम में, यहाँ पे मिजोरम, अभी एक चीज और आई थी, मिजोरम में क्या था, लीस्ट इरिगेटेड एरिया था मिजोरम का, सबसे कम एरिया इरिगेशन के लिए वह आपका मिजोरम का था, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं कहाँ पर? मिजोरम में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि लीस्ट फॉरेस्ट एरिया इन स्टेट, सबसे कम एरिया, लीस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे कम जंगल किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो सबसे कम जंगल किस स्टेट में पाए जाते हैं, जानकारी के लिए बता दें कि सबसे कम जंगल आपके हरियाणा में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा में। हरियाणा में आपके सबसे कम जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी फॉरेस्ट एरिया की। अब देखिए अगला आपका आता है कुछ फर्टिलाइजर से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि इसमें जो है आपका आता है हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन,
हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन, हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट, हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट सबसे ज्यादा किस स्टेट का है? तो वह है आपका पांडुचेरी का, पांडुचेरी, पांडिचेरी या पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी, पांडिचेरी का, किसका? पांडिचेरी, या ऐसे पुडुचेरी भी कहीं कहीं लिखा होता है और पुद्दुचेरी भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, तो पांडिचेरी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट जो है वह आपकी पांडुचेरी की है। यदि यहीं पर हम बात करें कि हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन इन विच स्टेट, हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन इन विच स्टेट मीन्स ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हाईएस्ट उर्वरकों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो वह है आपका पंजाब, जहां पर 212 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 212 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है पंजाब, ठीक है, सबसे ज्यादा। और यदि रेट की बात की जाए कि कंजप्शन रेट, हाईएस्ट कंजप्शन रेट फर्टिलाइजर का कौन से राज्य में है, तो आपका पांडुचेरी में है। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन इन विच स्टेट की यदि बात की जाए तो आपका पंजाब है, जहां पर 212 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका जो है फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन किसका है, टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन सबसे ज्यादा किसका है? तो वह है आपका यूपी का, किसका? यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आपका टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन है। और यहीं पर हम आपको एक चीज और बताते हैं, आपके जो इरिगेशन है वह इरिगेशन आपकी जो रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल आपकी जो है हमारे देश में होती है वह कितनी है? 1194 मिलीमीटर, 1194 मिलीमीटर इतनी एवरेज एनुअल रेनफॉल हमारे देश की है इस समय प्रेजेंट टाइम में। अपडेटेड डाटा है ये आपका, टोटल अपडेटेड डाटा है, इसमें कोई भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। 2020-21 का ये बिल्कुल अपडेटेड डाटा है जो कि ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक आप हमारे अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात होती रहती है हमारे चैनल पर। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। आपको आसान शब्दों में यदि आपको कोई टॉपिक समझ में आता है हमें कमेंट सेक्शन अवश्य बताएं, और आपकी पूर्णतः मदद की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो एक छोटा सा प्रयास जो कि आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो उसके लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।